दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आज सुबह 5:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। लोहे के पिलर से बना शेड वहां खड़ी कई कारों के ऊपर आ गिरा। लोहे के पिलर में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। भारी बारिश के कारण कई फ्लाइट्स रद्द हो गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैक्सिमम फ्लाइट उन्होंने कैंसिल करा है और कुछ फ्लाइट होल्ड पे करा हुआ है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि सिचुएशन कब तक क्लियर होंगी। अभी रिसेंटली वो बता रहे कि आप टर्मिनल 2 में जाओ, वहाँ से कुछ आपका एडजस्टमेंट करके देंगे नेक्स्ट फ्लाइट में। बाकी कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल नहीं रही है। मतलब क्या यहाँ पे एग्जैक्टली ये हुआ कि रूफ कोलैप्स हो गई है और 5:15 बजे के आसपास रूफ कोलैप हो गई है और कुछ लोगों के साथ में कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया। आई थिंक दे आर सेइंग कि एक आधा बंदे की डेथ भी हो गई है, तो विच इज़ प्रीटी सीरियस। और यही सब चल रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में कुछ जवाब है नहीं, अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। बस ये बोल दिया है कि ये एयरपोर्ट बंद हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा वो कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है यहाँ पे कि आगे जाके क्या प्रोसेस है, बट ये है कि यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं चलेगी। बिल्कुल असुविधा तो है ही है, लेकिन इन लोगों के साथ सिंपथी भी है, सुना कोई कैजुअलिटी भी हुई है। अब देखो, अब ये तो क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट का, नो इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम शालीन गोयल है, मेरी पुणे की फ़्लाइट थी, मैं यहाँ आया हूँ। स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, कोई भी कुछ बताने वाला कोई यहाँ नहीं। देखिए, जो ट्रेजेडी हो गई गिर गई, बट एटलीस्ट आगे ये तो पता हो ना कि हमें अब करना क्या है। अगर हमें कोई और फ्लाइट बुक करनी है, किसी और टर्मिनल जाना है, यहाँ तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। बस उसी में लगे हुए हैं हम ये देखने के लिए कि किस तरह से कोई ट्रैवल एजेंट हमारी कोई और टाइम की फ़्लाइट करा दे, किसी और टर्मिनल से करा दे। हमें पता तो लगे हमें किस टर्मिनल पर जाना है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह से कोई बताने वाला नहीं है। जो एयरलाइंस का स्टाफ है उन्होंने कहा जी हमें कुछ नहीं पता, यहाँ सारा शेड गिर गया है, बड़ी मुश्किल से बचे हैं और अब आप देख लो आपने क्या करना है। दिस इज़ दी थिंग जो चल रहा है। हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे, सुबह 4 बजे हम लोग निकले हैं। पूरी दिल्ली चौक है, ऐसा लग रहा है कि पूरा समुद्री हो गया दिल्ली, और यहाँ पता चलता है कि फ़्लाइट लेट है, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखते हैं जो भी है। मैं 10 मिनट से बच गई, मैंने देखा है वो गिरते हुए। तो नोबडी इज़ गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज पे अपडेट नहीं है, कॉल पे अपडेट नहीं है, कोई कैब नहीं आ रही, ये भी नहीं पता रिफंड होगा रीस्केड्यूल होएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, आई हैव कॉल्ड माय ऑफिस टू गेट मी अ कैब एंड देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन एंड ऑफिशियल अथॉरिटी, नोबडी नोज एनीथिंग, किसी को कुछ नहीं पता है। IGI के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से व्यवस्था चौपट हो गई है। दोपहर 2 बजे तक कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण दिल्ली NCR की सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है, मानो सड़क से लेकर रेल और मेट्रो से लेकर फ्लाइट तक की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।